दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme C3 i के बारे में, जो कि काफ़ी पावरफुल डिवाइस है, जहां पे हमें बजट सेगमेंट के अंदर काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और ये डिवाइस आपको Realme C3 का ही एक रीब्रांड वर्जन है, जो कि आपको फरवरी के महीने में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस के अंदर हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बजट सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस Realme की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G70 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो गाइस, Realme C3 i के अंदर में क्या कुछ देखने को मिलता है, साथ ही इसका क्या कुछ प्राइसिंग है, और यहाँ पे हमें Realme C3 के अकॉर्डिंग इसमें क्या कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलता है, तो जानने के लिए आप काफी एक्साइटेड हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये डिवाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में आता है, जिसमें आपको विथ प्रीमियम सनराइज डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हैंड्स ऑन काफी प्रीमियम फील देगा। इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको 6.52 इंच का एक बिग डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये डिस्प्ले हमें HD+ रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है, और इसका रेजोल्यूशन आपको 720x1600 पिक्सल देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, और यहाँ पे हमें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89.8% तक कम देखने को मिलता है। साथ ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इसके कैमरा के बारे में बात करें तो आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही आपको डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा, और आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस के पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 5000mAh का पावरफुल बैटरी मिलता है, साथ में आपको चार्जिंग के लिए USB टाइप बी केबल, और यहाँ पे हमें ऑडियो और म्यूजिक के लिए 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाता है। अब बात करें इसके इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, जो कि इसका परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और साथ ही इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको 2 GHz देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें गेमिंग के लिए माली G52 का GPU मिलेगा, तो आपको परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे काफी टॉप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से आपको Realme ने इस डिवाइस के अंदर काफी अच्छे से काम किया है। वहीं आपको स्टोरेज के लिए ये डिवाइस आपको ट्रिपल वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है, जहां पे आपको 2GB+32GB एंड सेकेंडरी वेरिएंट आपको 3GB+32GB और इसका टॉप मॉडल 4GB+64GB मिल जाता है। साथ ही यहां पे आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 मिलेगा, जो कि Realme के खुद के UI पर बेस्ड होगा, जो कि काफी क्लीन एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। तो लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो ये डिवाइस आपको करीब 7,000 to 8,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आपको शायद से इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि Realme C3 इंडिया के अंदर पहले से लॉन्च किया जा चुका है, जिसके अंदर आपको सेम एस्पेक्ट्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें Realme C3 i के अंदर सिर्फ स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, जो कि 2GB+32GB, और वहीं आपको Realme C3 के अंदर बेस मॉडल 3GB+32GB देखने को मिल जाता है। तो काफी कम उम्मीद है कि ये डिवाइस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा।